जो मेरे यहाँ है जो अब यूनिक डिवाइस लग के आता है, जो यहाँ पर बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। अभी तक 10 मशीन 20 मशीन में हम ऐसा डिवाइस लगाकर जो कस्टमर है वो अच्छा फीडबैक दिए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आज जो है एक ऐसे विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ है डॉक्टर राजीव सर और जो है कि पेपर प्लेट मेकिंग मशीन मैन्युफैक्चर करवाते हैं हर तरह के, साथ ही साथ और लघु उद्योग की 10 टाइप की मशीन बनवाते हैं यहाँ। तो आज हम इनसे बात करेंगे पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले डबल डाई और सिंगल डाई के ऊपर कि कितने प्रकार की मशीन आती है और मशीन जो है किस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और इनका क्या सर्विस वगैरह है जो औरों से बेहतर है। और साथ ही आज बात होगी प्लास्टिक बैन की जो सरकार की है उसके ऊपर भी डिस्कर्स होगी इस वीडियो में कि अब जो है थर्मोकोल बैन होने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा और मार्केट में बिकेगा। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। जी आपका भी धन्यवाद जितेंद्र जी। तो सर आज जो है मैं सबसे मेरा पहला जो सवाल ये होगा कि जो आप पेपर प्लेट का मशीन बनवाते हैं सिंगल डाई और डबल डाई वो कितने प्रकार की बनवाते हैं और किस प्राइस से लेके किस प्राइस तक बनवाते हैं? सिंगल डाई मेरे यहाँ 5 प्रकार का बनता है और डबल डाई भी 4-5 प्रकार का बनता है। जो मेरे यहाँ 25,000 से लेकर के 55,000 तक सिंगल डाई मेरे यहाँ उपलब्ध है। जिस साइज का बनवाइएगा उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना होगा। और डबल डाई में भी वही फंक्शन है सेम, डबल डाई 50,000 से लेकर के 90,000 तक उपलब्ध है। उसमें भी आप इंच बाय इंच दाम का डिफरेंस होगा। जैसे कि सर अब बता दें कि आप जो डबल डाई और सिंगल डाई मशीन बनवाते हैं उसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? देखिए सिंगल डाई और डबल डाई में पहले आप अंतर समझ लीजिए। सिंगल डाई से एक डाई उसमें लगेगा एक बार में और डबल डाई से दो डाई एक साथ चल सकता है। मतलब कि मान लीजिए सिंगल डाई में आपको अगर एक मिनट में 25 पीस निकलता है तो डबल डाई में एक मिनट में 50 पीस निकलेगा। और जहाँ तक की बात हो गया ये कौन कौन सा प्रकार का निकलेगा मटेरियल या डाई, उसमें आपको केला पत्ता, साल पत्ता, सिल्वर, माइका का भी मटेरियल आ गया है मेरे पास अब, और सब उस मशीन से चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है सिंगल डाई या पेपर प्लेट का मशीन लेने में अब बिहार सरकार ने थर्मोकोल को अब बैन कर चुका है, इसलिए पेपर प्लेट का मशीन लगाने से आपको ज़्यादा मुनाफा भविष्य में होने वाला है। जैसा कि सर ने बताया कि आप सिंगल डाई लीजिए अथवा डबल डाई लीजिए, डाई को चेंज करके सारा प्रोडक्ट जो है एक ही मशीन में आप बना सकते हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि जो प्लास्टिक का जो भी प्रोडक्ट है सरकार उस पर जो है बैन लगा दिए, जैसे कि थर्मोकोल और बहुत सारा प्रोडक्ट। तो अब थर्मोकोल हर शहर में बहुत ज़्यादा चलता था, यूज होता था, उससे क्या होता था कि प्रदूषण फैलता था, जगह जगह जो है कचरा फैलता था और वो मिट्टी में गलता नहीं था। अगर उसमें आग लगा दिया जाता था तो उससे भी उसमें गंधयुक्त धुआं निकलता था जिससे बीमारियां फैलती थी। और डॉक्टर पहले ही साबित कर चुके हैं कि थर्मोकोल पे खाना खाने से, गर्म खाना खाने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियाँ उससे उत्पन्न होती है। तो अब जो है उस पर पूरी तरह बैन लग गई है, तो इससे क्या होगा कि पेपर प्लेट जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पहले से या नया मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनको जो है मार्केट पकड़ने में आसानी होगी और शुरुआत में जो बिजनेस करेंगे वो अच्छी खासी मुनाफा भी कमा सकेंगे। मेरा अगला सवाल अब सर ये है कि अगर कोई इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए जगह कितना आवश्यकता होगी, रॉ मटेरियल उनको टाइम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर्विस किस प्रकार है, इसके बारे में डिटेल से बताइए। जैसे कि पेपर प्लेट का जो बात है, सर्विस का बात है, तो सर्विस में आपको यहाँ कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ मेरे पास मशीन का लोग निर्माण करते हैं। इसलिए जब आप कॉल कीजिएगा सर्विस के लिए आपको 24 घंटा के अंदर में आपके यहाँ मेरा इंजीनियर टेक्नीशियन चला जाएगा, आपको सर्विस दे देगा। और मटेरियल का जो बात है, मटेरियल जब और जितना चाहिए आपको उपलब्ध हमेशा रहेगा और हमेशा मिलेगा। अगर आप ज़्यादा दूर के हैं, आ नहीं सकते हैं,
तो अकाउंट में पैसा डालिए, आपके दरवाजे पर मटेरियल चला जाएगा 24 घंटा के अंदर। सिंगल डाई लगाने के लिए आपको 10 बाई 10 के रूम का आवश्यकता होगा, लेकिन माल बनाकर आपको अलग रखने के लिए एक और रूम की ज़रूरत होगी। और बिजली का जहां तक का सवाल है, बिजली आपको अगर 10 घंटा पर डे मशीन चलाते हैं तो आपको महीने का 1100-1200 के लमसम आपको बिजली बिल आ जाएगा। यह सिंगल फेज मशीन होगा, लेकिन इसके लिए आपको कमर्शियल बिजली लेना अनिवार्य है। जैसे कि अगर आपका घरेलू बिजली है तो उस पर भी मशीन चल जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको क्या है कि उसको कमर्शियल करवाना पड़ेगा और इस मशीन को आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं और सारा आइटम आप जो है बना सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं। अब बात करें कि इसके सेल किस प्रकार किया जाता है, इसमें सेल में क्या है, इसके बारे में सर कुछ बताइए। देखिए, सेल का जहाँ तक के सवाल है, तो सेल तो आप अगर खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और सबसे में मज़े की बात यह है इस प्रोडक्ट में कि इसका कोई ब्रांड नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जब भी और किसी भी समय कितना भी साल पुराना माल आप पर बचा हुआ है, वो भी आपको आसानी से मार्केट में बिक जाएगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि इस ये प्रोडक्ट जो है वो सड़ने गलने वाला कोई चीज़ नहीं है, इसे आप बनाइए, स्टॉक करके रखिए, मार्केट में बिकेगा ही बिकेगा। आज आप मार्केट में कहीं भी जाते हैं, पेपर प्लेट दोनों यूज करते हैं, तो उसमें आप ये नहीं देखते हैं कि किस ब्रांड का बना हुआ है, किस कंपनी का बना हुआ है, यूज करने से मतलब रखते हैं। तो आप अगर नया भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम खड़ा नहीं होगा कि नहीं बिकेगा, वो बिकेगा ही, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। सर, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों को रॉ मटेरियल के बारे में होता क्या है कि कहीं 40 रुपया, 45 रुपया, 65 रुपया बताया जाता है, इसमें क्या सच्चाई है? कहीं रॉ मटेरियल 40, 45, 50 है, उसमें जो आपको मटेरियल में डिफरेंस आ जाएगा, जिसे मटेरियल में आपको पॉलिस्टर का मटेरियल दे देगा जो आपको पीस कम उतरेगा उसमें, मुनाफा तो आपको होगा पीस के हिसाब से ही। इसलिए आपको स्टैंडर्ड माल लेना होगा, स्टैंडर्ड मटेरियल लेना होगा, देख सुन समझ करके, पैसे के ऊपर नहीं जाइए कि ये माल हमको वहाँ सस्ता मिल रहा है। आपको प्रोडक्शन कितना हो रहा है ये ध्यान दीजिए। ये एक अहम जानकारी है और मैं हमेशा हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि जानकारी लेकर ही आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। लोग, मैं GSM के ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके फुल वीडियो देख सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि GSM के बारे में आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग GSM के बारे में समझते नहीं है, रॉ मटेरियल का दाम जहाँ कम बताया जाता है वहाँ जाके मशीन परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, बाद में फेलियर होते हैं। वही लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि भाई इसमें मार्जिन ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, विदाउट ब्रांडिंग बिजनेस है। इस अगर 10 घंटा तक सर कंटिन्यू मशीन चलाया जाए और माल सेल हो जाए तो एक सिंगल डाई से लोग कितना कमा सकते हैं? अगर 10 घंटा मशीन अगर महीने का चलता है पर डे, तो आप आसानी से 30 से लेकर के 50 के बीच में आप मुनाफा आराम से कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट वगैरह जो भी है सब काट कर, लेबर कॉस्ट सारा काट करके टोटल चीज। ये देखिए, अगर आप मेहनत करते हैं, सही मशीन, सही रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और माल सेल करने में अगर मेहनत करते हैं, सेल हो जाता है, तो सब कुछ काट करके 30 से 35 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपया तक महीने का कमा सकते हैं मेहनत करने के बाद। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 10 रुपया लगाइए लाखों कमा लीजिए, मैं किसी वीडियो में इस तरह का बातें जो है नहीं बताता हूँ, लेकिन हाँ, मेहनत करने के लिए जिक्र मैं हर वीडियो में आपको करता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ जाता है कि मशीन में करेंट आ जाता है, हीटर शॉर्ट कर जाता है, उनको पता नहीं चलता है, इसके बारे में कुछ है तो बताइए। वो सब तो आपका बात जो हम बोले, जैसे कि मशीन जो मेरे यहाँ है जो अब यूनिक डिवाइस लग के आता है, जो यहाँ पर बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। अभी तक 10-20 मशीन में हम ऐसा डिवाइस लगाकर जो कस्टमर है वो अच्छा फीडबैक दिए हैं। इस डिवाइस का काम यह है कि अगर मान लीजिए कि इसी मशीन में फॉल्ट आएगा तो आपको पहले वो अलार्म बजाएगा कि आप सतर्क हो जाइए, अब सावधान हो करके मशीन को पहले
देखिए कहाँ पे फॉल्ट है उसको ठीक कीजिए, उसके बाद फिर से लाइन दीजिए। अगर अलार्म बज रहा है तो फिर से फॉल्ट टेस्ट कीजिए। यह ऐसा फंक्शन है इसमें जो कोई भी फॉल्ट होगा आपको वह डिवाइस अलर्ट करेगा कि मशीन में कुछ गड़बड़ी है, आप उसको चेक कीजिए। यह एक डिवाइस यूनिक होगा और यह डिवाइस पूरे बिहार में सिर्फ कृष्णा इंटरप्राइजेज ही बना रही है। सर ये बताइए कि ये डिवाइस आप सिंगल डाई डबल डाई में ही लगा के दे रहे हैं या और कौन कौन से मशीन में लगा के दे रहे हैं? सिंगल डाई में, डबल डाई में भी, हाइड्रोलिक मशीन में भी, लेमिनेशन मशीन में भी लगा के देंगे। मतलब लगभग जितना मैन्युफैक्चरिंग होता है सारे मशीन में हम ये डिवाइस लगा कर आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों इस डिवाइस के बारे में हम पूरी जानकारी जो है अगले वीडियो में ज़रूर लेके आएंगे कि वो किस प्रकार काम करती है। और आप जो अगली बार जो हम आएंगे यहाँ, अगली बार कौन सा जानकारी आप दीजिएगा? अगली बार हम आपको मुख्यमंत्री उद्यम योजना के बारे में जानकारी देंगे, इसमें कैसे लोन का प्रोसेस है, कैसे आपको उसके माध्यम से मशीन मिलेगा, सारा उसका फुल डिटेल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगली बार जो सर हैं वो देने वाले हैं आपको लोन किस प्रकार आप प्राप्त कीजिएगा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो लोन अभी प्राप्त हो रही लोगों को वो किस प्रकार आप भी प्राप्त कीजिएगा उसके बारे में फुल डिटेल से जानकारी देंगे। और इसी तरह की जो वीडियो है हमेशा मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।